अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं निदा और आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बड़ी ही मज़े की कढ़ी पकौड़ा। बट उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि अगर अभी तक जिन फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली रेसिपीज़ को आप पूरी तरीके से इंजॉय कर सकें। और आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.onlyfoody.com। तो अब कढ़ी पकौड़ा के लिए जो हमें इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो नोट डाउन कर लें। बेसन चाहिए मुझे एक प्याली भर के, हमने बेसन लिया है। एक किलो के जो है मेरे पास दही है और ये हमने दही घर में जमाई है और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको दही जमाना सिखाया था। तो और हमें चाहिए 2 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, 2 टीस्पून हमें चाहिए लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के करीब हमें चाहिए साबित गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा और 1 मीडियम साइज़ की हमें प्याज चाहिए जिसको हमने जो है काट लिया है, और तकरीबन 2 मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के और उनकी मैंने प्यूरी बना ली है, 1.5 टीस्पून हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने गोल गोल काट लिया है जो कि एंड पे हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, थोड़ा सा धनिया लिया है उसको भी काट लिया है, 2 अदद हमें चाहिए तेज़पात, 2 अदद हमें चाहिए सिनेमन स्टिक्स और तकरीबन 4 से 5 मैंने लिए हैं साबुत गोल लाल मिर्चें और इमली का पल्प हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। दही अगर आपकी खट्टी है तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून जो है इमली का पल्प यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको वीडियो में अपनी वीडियो में सिखाया था कि हमने इमली का पल्प किस तरह से निकालना है। तो अब हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले हम दही को जो है वो एक प्याले में निकालेंगे। दही को निकालने के बाद हम इसको अच्छे से जो है वो फेंट लेंगे ताकि इसमें गुठली ना रह जाए। अच्छा, दही को फेंटने के बाद हम इसके अंदर जो है लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें हम जो है दही में शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को। मिक्स करने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 ग्लास जो है वो पानी का ऐड करेंगे दही में। तो फिर अच्छा सा मिक्स करके हम और बेसन जो है उसको आपने छान के इस्तेमाल करना है और फिर साथ ही हम इसके अंदर जो है वो बेसन डाल देंगे। 2 पोर्शंस में इसको डालिए ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए साथ। सबसे पहले पतीले में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है हमने इसके अंदर ऑयल डाला है। अब हम इसके अंदर 2 अदद हमारी जो सिनेमन स्टिक्स हैं वो डालेंगे, तेज़पात, ज़ीरा और साबुत गरम मसाला। इन सब चीज़ों को डाल के हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसको भूनना है। मसाला जो है वो हमारा भून गए। अब हम इसके अंदर जो है ये जो हमने दही, बेसन और मसालों का मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर शामिल करते हैं।
अब हम इसके अंदर जो है दो ग्लास पानी और ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो है दो ग्लास पानी और ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हिला लेंगे। ये जो साइडों पे हमारा बेसन लगा हुआ है इसको हम उतार के इसी में शामिल कर लेंगे। इसको आपने हिलाते रहना है क्योंकि बेसन है इसमें, तो ये गाढ़ा होके इसमें गुठलियाँ भी बन सकती हैं, तो इसको आप साथ साथ हिलाते जाइएगा। जैसे ही इसको उबाला आएगा हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मज़ीद पकने के लिए जो है हम रख देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए, तो ये पकेगा। उतनी देर के लिए हम जो है अपना पकौड़ों की तैयारी करते हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लें। पकौड़ों की तैयारी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट डाउन कर लें। एक प्याली भर के हमें चाहिए बेसन का, एक और आधा मीडियम साइज़ का जो है प्याज लिया है और उसको मैंने मोटा मोटा से इस तरह काट लिया जो पकौड़ों में जिस तरीके से डालते हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हमने धनिया लिया है, ज़ीरा हमें चाहिए 1.5 टीस्पून और 2 चुटकी हमें चाहिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने इसके अंदर जो है मीठा सोडा भी जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो पकौड़े खुलने का इसमें डर होता है, तो और वो वैसे भी अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल देंगे तो घी भी ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे, तो इसलिए जो है 2 चुटकी से ज़्यादा आपने बेकिंग सोडा इसके अंदर नहीं डालना। 1.5 टीस्पून मैंने ली है लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है नमक और तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने लिया है अनारदाना। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अनारदाना पसंद है तो आप पकौड़ों में डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और उनको इस तरीके से बारीक बारीक जो है वो मैंने काट लिया है और इसको हम जो है पकौड़ों में शामिल करेंगे। लेंगे बेसन, इसमें नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा और बेकिंग पाउडर, अनारदाना, और प्याज। आलू अब हम इन सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम साथ ही साथ पानी जो है एज़ रिक्वायर्ड जितना हमें चाहिए होगा उतना हम पानी डालेंगे। पकौड़े जो हैं इसका मिक्सचर जो है बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, तो हमें जितना पानी चाहिए होगा हम साथ साथ इसमें डालते जाएंगे। ये मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें और धनिया भी ऐड कर देंगे। और फिर से इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो हमारा तैयार है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैं पकौड़े फ्राई करने के लिए मैं ये इस साइज़ का चम्मच लूँगी। चम्मच एक ही साइज़ का रखिएगा ताकि आपके जो पकौड़े हैं वो एक ही साइज़ के बने। पकौड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं, एक साइड से जब ये फ्राई हो जाए तो इसको आप टर्न कर दें दूसरी साइड पे। पकौड़े हमारे
फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम निकाल के बाकी के पकौड़े इसमें डाल लेंगे। हम लेता ट्रे में निकाल के जो है पकौड़ों को रखते जाएंगे। हमारा जो ये ग्रेवी है पहले से थोड़ी गाढ़ी हो गई है, और जब ये थोड़ा पक के आधी रह जाए जितना आपने, तब उसमें जो है आप शामिल करें इमली का पल्प। और इस टाइम पे आप इसका मसाला भी चख सकते हैं, नमक मिर्च कोई भी चीज़ अगर कम या कम है तो आप इसके अंदर इस टाइम पे जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इमली का पल्प डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसकी साइड्स के ऊपर जो लग जाए वो आप इसको उतार के इसी में शामिल कर लीजिएगा। और हमारे पकौड़े भी तैयार हैं, तो अब हम इसके अंदर जो है पकौड़े डाल देंगे अपने। पकौड़ों को हम अच्छे से जो है ग्रेवी के अंदर डिप कर देंगे। और अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के के लिए 2 बड़े चम्मच मैंने जो है ऑयल के लिए हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। जैसे ही हमारे प्याज ब्राउन होंगे हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे और साबुत गोल लाल मिर्च डाल के इसको हम 1 से 2 सेकंड के लिए बस हल्का सा फ्राई करेंगे। तड़का हमारा तैयार है। अब हम कड़ी को डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। पकौड़ा कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।